आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। वीडियो को पूरा देख लेना, आपके मसीही जीवन में लाइफ में चेंजिंग आ जाएगी। जब सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे थे तो कुछ स्त्रियां यीशु के लिए रो रही थी, विलाप कर रही थी। तो यीशु ने उन स्त्रियों की ओर फिरकर कहा था, हे यरूशलेम की पुत्रियों, तुम मेरे लिए नहीं वरन अपने बच्चों के लिए रो, क्योंकि देखो वे दिन आते हैं जिनमें वे लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ हैं और वे गर्भ जो न जने और वे स्थान जिन्होंने दूध न पिलाया। उस समय वे लोग कहेंगे, रैप्चर हो जाने के बाद जो लोग यहाँ रह जाएंगे वे लोग कहेंगे, पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो और टीलों से कि हमें ढांप लो। उस समय लोग मौत मांगेंगे और मौत नहीं आएगी, क्योंकि अभी तो बहुत मजा आ रहा है लड़कियों को पटाने में और सेक्स वीडियो देखने में, और अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है। रात में लड़कियों से बात करो और सुबह उठकर स्वर्गदूतों की तरह प्रार्थना करो। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ, यीशु तुम्हारे बाप का नौकर नहीं है कि तुम पाप भी करो और यीशु आपको स्वर्ग भी लेकर जाएगा। नहीं लेकर जाएगा, यहीं छोड़ देगा जिंदा जलने के लिए। अगर परमेश्वर के हाथ में पड़ गए तो परमेश्वर आपकी जान निकाल लेगा। कब तक सेक्स वीडियो देखते रहोगे? कब तक लड़कियों की ताक झाक में लगे रहोगे? कब तक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाते रहोगे? क्या अंत नहीं? अभी छोड़ दो और बंद कर दो, वरना यही मस्ती आपको एक दिन नर्क में लेकर जाएगी। वरना जो आपके शरीर में जो गर्मी भरी है ना, वो उसी अनंत काल की आग में निकल जाएगी। तब आपकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ से निकालने नहीं आएगी। जरा सोचो, अगर आप इसी तरह पाप करते करते किसी दिन अचानक मर गए, मृत्यु हो गई, तो आपको हमेशा हमेशा के लिए नर्क में जाना पड़ जाएगा। अगर एक बार उस नर्क में चले गए तो हमेशा के लिए गए, वहाँ से कोई दोबारा निकालने के लिए नहीं आएगा। अभी छोड़ दो और लौट आओ यीशु के पास, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। क्यों पाप करके नर्क में जाना चाहते हो भैया? वहाँ एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा, बल्कि युगानुयुग के लिए और हमेशा हमेशा के लिए नर्क में डाल दिया जाएगा। और नर्क में एक बार चले गए तो वहाँ ना आग बुझेगी और ना कीड़े मरेंगे, उसको हमेशा हमेशा के लिए डाला जाएगा। पहले तो मरने के बाद आपकी आत्मा अधोलोक में चली जाएगी, और फिर आपकी आत्मा अधोलोक से निकालकर श्वेत सिंहासन के सामने खड़ा कर दिया जाएगा, और फिर उसका न्याय किया जाएगा और उसको वही शरीर पहनाया जाएगा जिसमें आपने व्यभिचार और गलत काम किया है। फिर परमेश्वर को वहाँ डाल देगा जहाँ आग जलाएगी और कीड़े काटेंगे। बहुत भयानक झील होगी, उसमें करोड़ों सैकड़ों आत्माएं तड़पती होंगी। मगर आज मसीही के समझ में आता ही नहीं है, जब न्याय किया जाएगा तब वहाँ आपको मन फिराने का अवसर नहीं दिया जाएगा। वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा और वहाँ लोग लाइन से खड़े होंगे और दुआ प्रार्थना करते होंगे और कहेंगे कि प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मुझे माफ़ कर दे। मगर वहाँ उस समय माफ़ी नहीं दी जाएगी, वहाँ सिर्फ न्याय किया जाएगा और उसको उसी न्याय के आधार पर उसको नर्क में डाल दिया जाएगा। मैं आपसे एक बात बता रहा हूँ मेरे भाई, आपके घर में गैस सिलेंडर होगा ना, उसको जलाइए और उस पर अपना हाथ रखिए, आपको पता चल जाएगा कि आप कितनी देर तक उस आग को बर्दाश्त कर पाएंगे। अरे जब यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो वहाँ की आग कैसे बर्दाश्त कर पाओगे? जरा सोचा है आपने? यीशु ने कहा था, अवसर को बहुमूल्य समझो। यीशु स्वर्ग जाने से पहले एक बात कह गए थे कि कोई शैतान कोई दुष्ट आत्मा तुम्हें भरमाने ना पाए, तुम्हें पाप में गिराने ना पाए, इनसे सावधान रहना और परमेश्वर के सारे हथियार बांध लेना, क्योंकि वो तो उस नर्क में जाएगा ही, क्योंकि परमेश्वर ने उसका न्याय पहले ही से कर दिया था। क्यों आप उसकी आवाज़ सुन के भैया नर्क में जाना चाहते हो? वहाँ एक दो दिन के लिए नहीं डाला जाएगा मेरे भाई, हमेशा हमेशा के लिए और युगानुयुग के लिए डाल दिया जाएगा, और ऊपर से नर्क का ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। जरा सोचा है अपने? अभी समय है, लौटो यीशु के पास, परमेश्वर आपको माफ़ कर देगा। एक लड़की के चक्कर में अपना जीवन मत बर्फ खो देना मेरे प्रियो, मैं आपको हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ, ठीक है भैया? आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को दबा के सहकें अपनी मसीह भाई बहनों के पास।